हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम। एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 18 जून 2019 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। और कल और परसों नाबार्ड बैंक और उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का एग्जाम हुआ था, तो उसमें जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चंस को हम आज वीडियो के आखिरी में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं सभी एग्जाम्स के लिए सेम होते हैं। तो आज का जो वीडियो है आपको पूरा आखिरी तक देखना है। तो अब चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मरुस्थली रोकथाम दिवस कब मनाया गया? तो विश्व मरुस्थली रोकथाम दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 17 जून को। इस दिन दुनिया भर में बढ़ते हुए सूखेपन तथा मरुस्थली भूमि की रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक बनाने के लिए दिवस मनाया जाता है। इस साल की इसकी थीम थी लेट्स ग्रो द फ्यूचर टुगेदर, तो ये थीम भी आपको याद रखना है। इससे संबंधित यूनाइटेड नेशंस प्रतिवर्ष एक सम्मेलन करता है जिसका नाम है UNCCD, हिंदी में बोलते हैं मरुस्थली भूमि से लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। तो ये जो 2019 की सम्मेलन है ये आयोजित की जाएगी भारत की राजधानी नई दिल्ली में अक्टूबर महीने 2019 में। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये समिट भारत में आयोजित की जाएगी। अब एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, इस साल का जो मरुस्थली महोत्सव 2019 है ये आयोजित किया गया था राजस्थान के जैसलमेर शहर में, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है डेजर्ट फेस्टिवल 2019। तो आपको याद रखना है ये आयोजित किया गया था राजस्थान के जैसलमेर शहर में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में सतत विकास के लिए ऊर्जा परिवर्तन और वैश्विक पर्यावरण पर G20 मंत्री स्तरीय बैठक में भारत की तरफ से किसने भाग लिया? तो इसमें भारत की तरफ से लीड कर रहे थे भारत के ऊर्जा मंत्री, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। वर्तमान में जो भारत के ऊर्जा मंत्री हैं उनका नाम है राजकुमार सिंह, जिनको शॉर्ट में बोलते हैं RK सिंह। RK सिंह यानी कि राजकुमार सिंह के पास ऊर्जा मंत्रालय के साथ साथ नवीन एवं अक्षय ऊर्जा मंत्रालय, इसके साथ साथ कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय भी है, ये राज्य मंत्री हैं। तो ये दो क्वेश्चन आपको याद रखना है। G20 देशों की जो ऊर्जा मंत्रियों की समिट हुई है उसमें भारत की तरफ से भारत के ऊर्जा मंत्री पार्टिसिपेट किए, जिनका नाम है RK सिंह। अब दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि जो G20 देशों की ये ऊर्जा मंत्रियों की बैठक हुई है ये किस देश में हुई है और किस शहर में हुई है? तो ये बैठक हुई है जापान के करुइजावा शहर में, ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। इसके अलावा G20 से दो समिट और आपको याद रखना, वो कौन कौन सी हैं? अभी अभी G20 देशों की जो व्यापार मंत्री हैं उनकी बैठक हुई है विश्व व्यापार और डिजिटल अर्थव्यवस्था पे जापान के तुसुकाबा शहर में, जिसमें भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किए थे भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री जो कि वर्तमान में हैं पीयूष गोयल। तो ये दो क्वेश्चन आपको याद रखना है। इसके अलावा एक तीसरी समिट हुई है जिसका नाम है G20 देशों के मंत्रियों तथा सेंट्रल बैंक के गवर्नरों की बैठक, जो कि आयोजित की गई जापान के फुकुओका शहर में, जिसमें भारत की तरफ से पार्टिसिपेट की थी भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन। तो तीन क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक बार इसलिए हम फिर से रिपीट कर देते हैं। G20 देशों के जो ऊर्जा मंत्रियों की बैठक हुई है वो आयोजित की गई है जापान के करुइजावा शहर में, जिसमें भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किए हैं भारत के विद्युत मंत्री RK सिंह। दूसरी समिट है जिसका नाम है G20 देशों के जो व्यापार मंत्री हैं उनकी बैठक हुई है जापान के तुसुकाबा शहर में, जिसमें भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किए हैं भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। तीसरी समिट हुई G20 देशों के वित्त मंत्रियों की तथा केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की बैठक, जिसमें भारत की तरफ से पार्टिसिपेट की हैं भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, और ये समिट हुई है जापान के फुकुओका शहर में। तो ये तीन समिटों को आपको याद रखना है। इसके अलावा जो G20 देशों की मेन समिट होगी वो आयोजित की जाएगी जापान के ओसाका शहर में, ये है G20 के देशों की मेन समिट। इसमें G20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे भारत की तरफ से जाएंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अब आपको याद रखना कि G20 की समिट 2020 में और इसके बाद कब आयोजित की जाएगी, तो 2020 में G20 देशों की मीटिंग आयोजित की जाएगी सऊदी अरेबिया के रियाद शहर में, 2021 में इटली में, 2022 में भारत की राजधानी नई दिल्ली में, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको G20 से तीन समिट के नाम याद रखने हैं। अब हम देख लेते हैं
जापान से रिलेटेड कुछ फैक्ट। जापान जो कि एशिया महाद्वीप का देश है, इसकी राजधानी टोक्यो, इसके वर्तमान में प्रधानमंत्री शिंजो एबे, जापान की मुद्रा है एन। जापान से आपको दो व्यक्तियों के नाम याद रखने, कौन कौन से? पहले व्यक्ति हैं अराता इसोजाकी। अराता इसोजाकी को दिया गया है 2019 का पिटिक्जर पुरस्कार, पिटिक्जर पुरस्कार जिसको आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इसके अलावा दूसरे व्यक्ति हैं नरहितो। नरहितो जापान के बने हैं नए सम्राट। जापान में 2020 में आयोजित किए जाएंगे जापान की राजधानी टोक्यो में समर ओलंपिक गेम्स। और अभी अभी जापान ने दुनिया की सबसे तेज चलने वाली बुलेट ट्रेन को लॉन्च किया, जिसका नाम है अल्फा एक्स। इसकी स्पीड होगी लगभग 400 किलोमीटर प्रति घंटा। जापान की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है जाक्सा, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। और जापान की जो पार्लियामेंट है, संसद है, उसका नाम है डाइट। ये डाइट खाने वाला नहीं, ये जापानी शब्द है, आपको याद रखना है। जापान की जो संसद है उसका नाम है डाइट। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में भारतीय पुरुषों की टीम ने तीरंदाजी विश्व कप चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो तीरंदाजी विश्व कप चैंपियनशिप में भारत ने दो पदक जीते हैं, रजत और कांस्य। रजत जीता है एक, कांस्य पदक जीते हैं दो, टोटल तीन पदक जीते हैं। तो आपको याद रखना है, भारतीय पुरुषों की टीम ने तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप 2019 में एक रजत पदक तथा दो कांस्य पदक जीते हैं। ये जो विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप है, ये आयोजित की गई थी नीदरलैंड देश में। नीदरलैंड जो कि यूरोप महाद्वीप का देश है, इसको हॉलैंड के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ के जो निवासी हैं उनको डच के नाम से भी जाना जाता है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम, यहाँ जो मुद्रा चलती है उसका नाम है यूरो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में पाक खुफिया एजेंसी यानी कि पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है जिसका नाम है ISI के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद को। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है ISI, इसका पूरा नाम क्या है, या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि ISI जो खुफिया एजेंसी है किस देश की है। तो दोनों प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है। ISI पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है जिसका पूरा नाम है इंटर सर्विस इंटेलिजेंसी। जो भारत की खुफिया एजेंसी है उसका नाम है रा, जिसका पूरा नाम है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। और इसके वर्तमान में हेड हैं, चीफ हैं अनिल कुमार धसमाना। तो ये भी नाम आपको याद रखना। इसके अलावा आपको दो देशों की खुफिया एजेंसी और आपको याद रखना हो, कौन कौन से हैं। अमेरिका की खुफिया एजेंसी जिसका नाम है CIA, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। दूसरा देश है इसराइल, इसराइल की खुफिया एजेंसी का नाम है मोसाद। और दुनिया की सबसे अच्छी और सबसे खतरनाक जो खुफिया एजेंसी है उसको माना जाता है मोसाद को। मोसाद को कहा जाता है, यह है मौत का दूसरा नाम। तो ये तीन चार नाम आपको याद रखना है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है जिसका नाम है ISI इंटर सर्विस इंटेलिजेंसी, जिसके नए हेड बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद। भारत की जो खुफिया एजेंसी उसका नाम है रा, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसके वर्तमान में हेड हैं अनिल कुमार धसमाना। अमेरिका की खुफिया एजेंसी जिसका नाम है CIA, इसराइल की खुफिया एजेंसी जिसका नाम है मोसाद। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस राज्य द्वारा देश का पहला कौशल विश्वविद्यालय यानी कि स्किल यूनिवर्सिटी स्थापित करने की घोषणा की गई? तो जो कौशल यूनिवर्सिटी यानी कि स्किल यूनिवर्सिटी है, ये बनाएगा असम राज्य, और ये भारत की पहली स्किल यूनिवर्सिटी होगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, असम राज्य बनाएगा भारत की पहली कौशल विश्वविद्यालय। एक विश्वविद्यालय का और नाम आपको याद रखना, वो कौन है? देश का पहला जो रेलवे विश्वविद्यालय बना, ये बना है गुजरात के वडोदरा शहर में। असम जिसकी राजधानी है दिसपुर, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। एक क्वेश्चन और, जगदीश मुखी जो हैं ये वर्तमान में असम राज्य के राज्यपाल हैं। इसके साथ ही साथ जो मिजोरम राज्य है इसका एडिशनल चार्ज दिया गया। तो ये दो राज्यों के वर्तमान में राज्यपाल हैं कौन कौन से? असम और मिजोरम के दो राज्यों के जगदीश मुखी राज्यपाल हैं। अब आपको असम राज्य से दो न्यूज़ याद रखना, कौन कौन सी? पहली न्यूज़ है,
असम राज्य ने एक वेबसाइट लॉन्च किया था जिसका नाम था राइस नॉलेज बैंक, जो कि किसानों को खेती से संबंधित जानकारी देगी। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राइस नॉलेज बैंक क्या है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट समझते हैं कि कोई बैंक होगी, तो आपको याद रखना है कोई बैंक नहीं है, ये एक वेबसाइट है जहाँ पर असम राज्य के किसानों को खेती से संबंधित जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा असम राज्य ने एक योजना चलाई है या एक आयोग शुरू किया है जिसका नाम है प्रणाम आयोग। प्रणाम आयोग क्या है ये आपको पता होना चाहिए। इस आयोग के तहत अगर असम राज्य का कोई कर्मचारी है वो अपने बूढ़े माता पिता की सुरक्षा नहीं करता है, खाना पानी नहीं देता या फिर उनकी देखभाल नहीं करता है, तो असम जो सरकार है उस कर्मचारी के खाते से प्रति महीने कुछ पैसा काट लेगी। तो ये जो प्रणाम आयोग है ये असम राज्य द्वारा चलाई गई योजना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस बैंक को आरटीआई और केंद्रीय सतर्कता आयोग, जिसको बोला जाता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, के दिशा निर्देशों के दायरे में रखा गया है। तो इस बैंक का नाम है जम्मू एंड कश्मीर बैंक। जम्मू और कश्मीर बैंक में करप्शन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, इसीलिए इस बैंक को और अधिक पारदर्शी तथा गुड गवर्नेंस के लिए आरटीआई और सीबीसी जो संस्थाएं हैं उनके अंतर्गत रखा गया है। आरटीआई का पूरा नाम है राइट टू इंफॉर्मेशन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ए, जम्मू एंड कश्मीर बैंक। जम्मू और कश्मीर जो बैंक है इसके अभी अभी अंतरिम अध्यक्ष बनाए गए थे आर के चिंबर। जम्मू एंड कश्मीर बैंक का मुख्यालय है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर शहर में। अब आपको एक क्वेश्चन और याद रखना है, जो सीबीसी संस्था है जिसका नाम है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसके अभी अभी जो मुख्य आयुक्त नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है शरद कुमार। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में स्क्वैश का 17वां राष्ट्रीय खिताब किसने जीत लिया है। तो स्क्वैश का 17वां राष्ट्रीय खिताब जीत लिया है ज्योत्सना चिनप्पा ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। हमारे जो वर्तमान में खेल मंत्री हैं उनका नाम है किरण रिजिजू। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन खेल से संबंधित था तो इसलिए मैं यहाँ पे बता दिया हूँ। अब मैं आपको चार पांच नाम बताता हूँ जो कि सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो कौन कौन से हैं। यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, एक नाम दिया होता है जैसे दीपिका पल्लिकल कार्तिक, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि दीपिका पल्लिकल कार्तिक किस खेल से संबंधित हैं। यहाँ पर राज्य इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये किस खेल से संबंधित हैं बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि जो स्क्वैश जैसे खेल हैं भारत में बहुत ही कम पॉपुलर हैं, इसलिए इन खिलाड़ियों के नाम पूछा जाता है। तो दीपिका पल्लिकल कार्तिक जो कि तमिलनाडु से हैं, ज्योत्सना चिनप्पा जो कि चेन्नई तमिलनाडु से हैं, हरिंदर पाल संधु जो कि चंडीगढ़ से हैं, रमित टंडन जो कि कोलकाता वेस्ट बंगाल से हैं, सौरभ घोषाल जो कि कोलकाता वेस्ट बंगाल से हैं, ये सभी जो खिलाड़ी हैं भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी हैं। ये नाम बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, आपको याद रखना, सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता दीपिका पल्लिकल कार्तिक, ज्योत्सना चिनप्पा और सौरभ घोषाल, ये तीन नाम जो हैं सबसे एग्जाम में पूछा जाता है, और ये तीनों खिलाड़ी इंडियन स्क्वैश प्लेयर हैं। अब आपको तीन नाम याद रखने हैं, कौन कौन से, सौरभ के नाम से तीन खिलाड़ी हैं और हिंदी में जो लिखा जाता है तीनों का नाम सेम सौरभ लिखा जाता है। सौरभ घोषाल जो कि कोलकाता वेस्ट बंगाल के स्क्वैश खिलाड़ी हैं, सौरभ चौधरी जो कि उत्तर प्रदेश से हैं, ये इंडियन शूटर हैं, स्पोर्ट्स शूटर हैं यानी कि निशानेबाज हैं, सौरभ वर्मा जो कि मध्य प्रदेश से हैं, ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। तो तीनों खिलाड़ियों के नाम में सौरभ शब्द लगा है और ये तीनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 5वीं बैठक किस शहर में आयोजित की गई है। तो नीति आयोग की 5वीं बैठक जो आयोजित की गई, ये आयोजित की गई है नई दिल्ली में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अब आपको नीति आयोग से चार पांच क्वेश्चन याद रखना है जो कि सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, और नीति आयोग से चार पांच क्वेश्चन के अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता। कौन कौन से हैं, पहला है नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग के वर्तमान में चेयरमैन है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार, नीति आयोग के सीईओ हैं अमिताभ कांत यहाँ पे होगा पूरा नाम इनका है। अगर आप ये चार पांच क्वेश्चन अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं तो एक क्वेश्चन पूछे जाने के सबसे ज़्यादा चांस है, क्योंकि नीति आयोग से इन्हीं पांच क्वेश्चनों में से कोई ना कोई बार बार पूछा जाता है। अब यहाँ पे मैंने नाम लिखा है राजीव कुमार से चार पांच नाम हैं जो कि मोस्ट कंफ्यूजिंग हैं और सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो मैं उन सभी नाम को यहाँ पे कवर किया है। कौन कौन से, राजीव गाबा जो हैं
वो भारत के गृह सचिव हैं, राजीव महर्षि जो कि भारत के महालेखा परीक्षक यानी कि कैग हैं, राजीव जैन जो कि आईबी के डायरेक्टर जनरल हैं, राजीव कुमार जो कि नीति आयोग के वाइस चेयरमैन हैं, राजीव राय भटनागर सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं। तो ये व्यक्ति जिनके सामने राजीव शब्द लगा है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको इन सभी व्यक्ति के पास कौन व्यक्ति किस पद पर है याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में FIH मेन सीरीज को किस देश ने जीत लिया है? तो FIH का पूरा नाम है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, इसको जीत लिया है भारत ने। भारत ने फाइनल में हराया दक्षिण अफ्रीका को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ए। यह जो प्रतियोगिता ये आयोजित की गई थी भारत देश में, भारत में कहाँ? उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में कलिंगा स्टेडियम में। तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये भारत में आयोजित की गई थी। तो FIH मेन सीरीज जो कि हॉकी की एक प्रतियोगिता है, इसको जीत लिया है भारत ने, फाइनल में हराया दक्षिण अफ्रीका को, और ये जो प्रतियोगिता है ये आयोजित की गई उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में कलिंगा स्टेडियम में। अब आपको पता होना चाहिए कि FIH क्या है। FIH ये हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय गवर्निंग बॉडी है, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लॉजान शहर में, और इसके वर्तमान में हेड हैं नरेंद्र बत्रा जो कि भारत से हैं, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको याद रखना। FIH के वर्तमान में हेड हैं नरेंद्र बत्रा जो कि भारत से हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में नमस्ते थाईलैंड फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो नमस्ते थाईलैंड फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हुआ है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। इसमें भारत और थाईलैंड की पिक्चरों यानी कि मूवियों को दिखाया जाता है, जिससे कि दोनों देशों के बीच जो सांस्कृतिक कल्चर है उसका आदान प्रदान हो। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, नई दिल्ली। थाईलैंड जो देश है ये एशिया महाद्वीप का देश है, इसकी राजधानी है बैंकॉक, यहाँ जो मुद्रा चलती है उसका नाम है थाई बाट, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री ये अभी अभी बने हैं जिनका नाम है प्रायुत चान ओचा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है ईगेर एंडरसन को जो कि डेनमार्क देश की महिला हैं। तो आपको याद रखना है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की जो कार्यकारी निदेशक नियुक्त की गई हैं उनका नाम है इंगेर एंडरसन डेनमार्क देश से हैं। जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम है इसको इंग्लिश में बोला जाता है यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, इसका मुख्यालय है केन्या देश के नैरोबी शहर में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में जुजाना कैपितोवा को किस देश की पहली महिला के रूप में चुना गया है? तो जुजाना कैपितोवा स्लोवाकिया देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं। स्लोवाकिया जो कि यूरोप महाद्वीप का देश है, इसकी राजधानी है ब्रातिस्लावा, यहाँ पे जो मुद्रा चलती है उसका नाम है यूरो। तो आपको याद रखना है स्लोवाकिया देश की जो पहली महिला राष्ट्रपति बनी उनका नाम है जुजाना कैपितोवा। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब हम शुरू करते हैं जो कल और परसों नबार्ड और उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्तमान में भारत के सोशल जस्टिस मिनिस्टर कौन है? तो ये मैं कई बार बता चुका हूँ, पिछले जून महीने के शुरू एक हफ्ते तक मैं बताया था कि सभी मंत्रियों को वर्तमान में जो सोशल जस्टिस मिनिस्टर हैं उनका नाम है थावरचंद गहलोत। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के वर्तमान में मुखिया कौन है? तो इनका नाम है शशांक मनोहर जो कि भारत से हैं। इसको मैं कई बार बता चुका हूँ क्योंकि इस समय क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पुस्तक अनडॉन्टेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो कल मेरा शाम को एक वीडियो आया था 2019 की मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तकें यानी कि बुक्स, तो उसका जो पहला क्वेश्चन था यही क्वेश्चन था मेरा कि अनडॉन्टेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं P.चिदंबरम। ये जो मेरा कल पुस्तक है, पुस्तक से रिलेटेड वीडियो आया था उसका पहला ही क्वेश्चन था। तो अगर जिन लोगों ने मेरा ये वीडियो देखा होगा तो उन सभी को पता होगा कि अनडॉन्टेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया के लेखक हैं P.चिदंबरम। अगला क्वेश्चन पूछा गया था
कि मलावी जो देश है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप का देश है, इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है। तो ये मैं क्वेश्चन बताया था, जब मैं एक बार क्वेश्चन बताया था कि जो विश्व की पहली मलेरिया वैक्सीन लॉन्च की गई है, वो लॉन्च की गई है मलावी देश में। तो वहीं पर मैं बताया था कि मलावी देश के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है। और एक क्वेश्चन आया था कि कालिया स्कीम किस राज्य से संबंधित है, तो ये भी मैं क्वेश्चन कल और परसों बताया था, एक मेरा वीडियो आया था सभी राज्यों से संबंधित योजना है। तो कालिया स्कीम जो है ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है। एक क्वेश्चन आया था सोलर चरखा मिशन जो स्कीम है ये किससे संबंधित है, इसको मैं अपने जो योजना वाला वीडियो था उसमें कवर किया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था अटल भूजल योजना ये किससे संबंधित है, तो इसको मैं भी योजना वाले वीडियो में कवर किया था। और एक क्वेश्चन पूछा गया था नीति आयोग से, तो नीति आयोग से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज ही मैं कवर किया था। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि फीफा विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित किया गया था, तो किया जाएगा। ये मैं क्वेश्चन कम से कम 50 बार बता चुका हूँ कि फीफा विश्व कप 2022 आयोजित किया जाएगा कतर देश में, 2018 में आयोजित किया गया था रूस देश में, उसके 4 साल बाद 2022 के बाद 2026 में आयोजित किया जाएगा अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको, 3 देशों में। तो ये सभी जो क्वेश्चन थे हमारे वीडियो से आए हुए थे। तो अगर जिन्होंने 2 से 3 महीना से कंटिन्यूस हमारे वीडियो फॉलो कर रहे हैं तो उन सभी लोगों को इन क्वेश्चनों के आंसर पता होंगे। तो ये थे नाबार्ड और उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में पूछे गए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम से या कहीं से मिल जाएं आपको पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन होते हैं हर एग्जाम्स के लिए सेम होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो नाबार्ड में पूछा गया मलावी देश के प्रेसिडेंट कौन है तो ये रेलवे के लिए बदल जाएंगे या फिर SSC के लिए बदल जाएंगे, क्योंकि मलावी के जो राष्ट्रपति हैं सब जगह सेम ही रहेंगे। तो ये थे आज के क्वेश्चन। हाँ, और क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, क्योंकि जो एग्ज़ाम था उत्तराखंड का था, तो ये क्वेश्चन बनता है। इसको मैं 50 बार बता चुका हूँ कि उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल जो कि बेबी रानी मौर्य हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अंकिता रैना किस खेल से संबंधित हैं, आज भी मैं बताया था कुछ खिलाड़ियों के नाम कि वो किस खेल से संबंधित, जो कि स्क्वैश से थे। तो अंकिता रैना जो हैं ये बैडमिंटन से खिलाड़ी हैं, बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जिम कॉर्बेट जो उद्यान है ये कहाँ पर स्थित है, ये भी मैं क्वेश्चन जो मेरा एक नेशनल पार्क वाला वीडियो आया था उसमें सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसको 1936 में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया था, ये उत्तराखंड के नैनीताल शहर जिला में स्थित है। तो इतने क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि हमको मिले हैं, तो मैं कवर कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का भी वीडियो पसंद आया होगा। अब आपके लिए क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस देश में दुनिया के सबसे ऊंचे पूरी तरह से स्वचालित यानी कि ऑटोमेटेड मौसम केंद्र की स्थापना की गई है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना होगा। अगर अभी तक हमारा चैनल एग्जाम फॉरम एकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब करके जो नोटिफिकेशन बेल है इसको ऑन कर लीजिए ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।